तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो जरा सोचो, एक खास इंजेक्शन लगाते ही तुम्हारे शरीर में बेहिसाब ताकत आ जाए। तो कहानी की शुरुआत में हम कोमाची और नानाओ नाम के दो चोरों को देखते हैं, जो पुलिस से बचकर भाग रहे थे। अचानक पुलिस ने उन चोरों को चारों ओर से घेर लिया, पर तभी अचानक ऊपर से गाड़ियां उतरी जिसके अंदर डॉक्टर होंडा और उसकी असिस्टेंट थी। डॉक्टर इन चोरों को बचाकर अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। डॉक्टर ने वादा किया कि अगर वो इस मिशन में कामयाब रहे तो उन सब की सजा माफ हो जाएगी। इसके 2 साल बाद अब नानाओ और कोमाची की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वो दूसरे अपराधियों के साथ बंगस्टू नाम की एक स्पेसशिप में मार्स पर जाने वाले थे। भविष्य में इंसानों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब धरती पर रह पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए धरती के खत्म होने से पहले इंसानों ने मार्स पर बसने का इंतजाम कर लिया था। इसके लिए उन्हें मार्स की सतह पर काई उगानी होगी, उसे थोड़ा गर्म करना होगा। मार्स पर काई उगाने के लिए लैब में बनाए हुए कॉकरोचेस को वहां भेजा गया और अब इस एक्सपेरिमेंट को लगभग 500 साल बीत गए थे। अचानक उन्हें कैप्टन डिजुमा ने आकर बताया कि वो मार्स पर लैंड होने ही वाले है। फिर उनके ड्रोन ने बंस वैन नाम की एक स्पेसशिप को भी ढूंढ निकाला जिसे आज से 10 साल पहले भेजा गया था। इसके बाद सभी ग्रुप मार्स की सतह पर मरे हुए कॉकरोचों को ढूंढने लगे। तब जेन और मारियो ने देखा कि यहाँ पर तो कहीं भी कॉकरोचेस थे ही नहीं। फिर चलते चलते अचानक उनके सामने 3 अजीबोगरीब जानवर आए, जिन्हें देखते ही वो दोनों तुरंत ही एक पत्थर के पीछे छिप गए। ये जानवर बिल्कुल इंसानों जितने ही बड़े कॉकरोच थे, जो अपने हाथों में हथियार लेकर खड़े थे। उधर कोमाची और नानाओ को भी ऐसे कॉकरोच दिखाई दिए तो कोमाची ने उनकी तरफ हाथ हिलाया तो कॉकरोच दौड़ते हुए आए और उसने नानाओ की गर्दन तोड़ दी। फिर वो बिजली की रफ्तार से भाग गए और नानाओ ने कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ दिया। तभी जेन और मारियो वहां पहुंचे और कामाची को बड़े बड़े कॉकरोचों के बारे में बताया। इन कॉकरोचों ने उनकी साथी आसुका को मार डाला था। अब वो सारे दौड़ कर स्पेसशिप में पहुंचे और कैप्टन को इस बारे में बताया। अब कैप्टन ने उन्हें समझाया कि इन कॉकरोचों को 500 साल पहले भेजा गया था, लेकिन ये मार्स की रेडिएशन की वजह से बहुत तेजी से विकसित होने लगे और अब इंसानों से भी कई ज्यादा ताकतवर जानवरों में बदल चुके हैं। तभी डॉक्टर वीडियो के जरिए सबके सामने आया और उन सबको कहा कि डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो जानता था कि ऐसा होने वाला है, जिन्हें लेते ही उनकी टीम के हर एक मेंबर्स के पास एक अलग अलग कीड़ों की शक्तियां आ जाएगी। इससे वो इतना ताकतवर हो जाएंगे कि उन कॉकरोचों का आसानी से सामना कर सके। मगर उनमें से कोई भी उन कॉकरोचों से लड़ने को तैयार नहीं था, बल्कि वो सब तो धरती पर वापस जाना चाहते थे। लेकिन जल्दी उनकी स्पेसशिप को कॉकरोचों ने चारों ओर से घेर लिया। तब गॉडलिन नाम के एक आदमी ने उन कॉकरोचों का ध्यान भटकाने का फैसला किया ताकि बाकी सब मिलकर स्पेसशिप को चालू कर सके। वो बाहर निकला और डॉक्टर का बनाया हुआ इंजेक्शन अपने गले में लगा लिया। ऐसा करते ही उसके शरीर के सेल्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे और जल्द ही वो एक इंसान और ब्रिटल का हाइब्रिड बन गया। अब वो अपने हाथों से आग निकाल सकता था और अपनी इस शक्ति से उसने कॉकरोचों को मारना शुरू कर दिया। मगर उसकी आग के बावजूद भी कॉकरोचेस थोड़ी देर में दोबारा उड़कर फिर से हमला करते थे। अचानक ही कॉकरोच ने उस पर जोरदार हमला करके उसे वहीं पर मार डाला। इस दौरान एक और कॉकरोच स्पेसशिप की खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और उसने 2 मेंबर्स को मार डाला। तब कैप्टन ने तुरंत ही डॉक्टर का बनाया हुआ वो ड्रग्स लिया और उसका भी शरीर बदलने लगा। उसके अंदर शिकारी चींटियों जैसी ताकत आ गई थी, जो अपने भार से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती थी। कैप्टन ने उस कॉकरोच को उठाया और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। पूरी टीम बहुत ही खुश थी, पर तब भी उन्होंने देखा कि कॉकरोच की पूरी फौज उनकी तरफ ही आ रही थी। इतने कॉकरोचों का मुकाबला तो वो कैसे ही करते, इसलिए उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। पर जैसे ही कैप्टन ने शिप को चालू करने की कोशिश की तो इंजन खराब हो गया और पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। ऐसा लग रहा था
कि जैसे किसी ने जानबूझकर शिप को खराब किया हो। खैर फिर कैप्टन ने एक नया प्लान बनाया। उस समय सबको बैंक्स वैन शिप पर जाकर सभी जरूरी पार्ट्स को लाने को कहा, जिससे वो अपने जहाज को ठीक कर सके। वो लोग गए पर चेरू ने कहा कि वो यहीं पर रुककर कैप्टन के साथ कॉकरोचों का सामना करेगी। बाहर जाने से पहले वो लाश के पास गई। उस लाश से अजीब से धागे निकल रहे थे पर कोमाची ने उसे ज्यादा नहीं सोचा। इसके बाद जब मार्स रोवर नाम के एक छोटे से कैप्सूल में बैठा जो उन्हें बंक्स वैन तक ले जाएगा, तब तेजू नाम के एक मेंबर ने कॉकरोचों का सामना करने के लिए अपना इंजेक्शन ले लिया, जिसके बाद वो एक मछली जैसे कीड़े में बदल गया। अब वो जबरदस्त आग फेंक सकता था। उसने इस ताकत की मदद से रोवर को आगे बढ़ाया। उधर कैप्टन अपनी पूरी जी जान लगाकर कॉकरोचों का मुकाबला कर रहा था, पर उनकी संख्या लाखों में थी। तब उसने तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी ताकि सभी कॉकरोचों का दम घुटने लगे। ये तरकीब कामयाब रही और जल्द ही कॉकरोचों बेहोश होकर गिरने लगे। लेकिन इसी के साथ कैप्टन और चीरो की भी हालत खराब हो गई और वो दोनों भी बेहोश हो गए। वही दूसरी ओर रोवर टीम ने देखा कि करोड़ों की तादाद में कॉकरोचों उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तेजू फिर भी रुका नहीं और अपनी ताकत से शिप को आगे बढ़ाता रहा। जल्दी वो कॉकरोचों की दीवार को पार करते हुए दूसरी तरफ आ गया, जिससे सभी का फिर खुश थे। पर जल्दी उससे भी बड़ा झुंड उनके सामने आ गया और तेजू अकेले उन्हें संभाल नहीं सकता था, इसलिए मारियो और ओसाकू ने भी अपने अपने इंजेक्शन ले लिए। उन तीनों ने मिलकर कॉकरोचों का सामना किया पर अचानक उनका रोवर पलटकर जमीन पर गिरा। वो तीनों बुरी तरह जख्मी हो गए और रोवर ऑटो पायलट मोड पर बाकियों को बंक वैन तक ले गया। तेजू का मारियो और ओसाकू ने पूरी जी जान से लड़ने की कोशिश की पर आखिरकार वो इन अजीब से कीड़ों के हाथों मारे गए। उधर रोवर के अंदर बाकियों को होश आया और उन्होंने देखा कि बस वैन तक पहुंच गए थे। फिर दोनों गेट पर रुक गए और बाकी सब उसके अंदर गए। मीना ने उसकी जब जांच की तो पता चला कि ये शिप धरती पर किसी को डेटा ट्रांसफर कर रही थी। तभी उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी और अब बाहर भागे। उन्होंने देखा कि कॉकरोचों ने बंक्स वैन से हथियार चुरा कर उनके दोस्त को मार दिया था। तब कोमाची ने अपना इंजेक्शन लिया और एक बहुत बड़े कीड़े की शक्तियां उसके अंदर आ गई। अब वो कॉकरोचों के शरीर में छेद करके उन्हें एक ही बार में मार सकता था। फिर जेन ने अपना इंजेक्शन लिया और उसके अंदर 200 फीट ऊंचा कूदने की ताकत आ गई। साथ ही मीना एक ऐसे कीड़े में बदल गई जो एक ही डंक में कॉकरोचों का काम तमाम कर सकती थी। जल्दी उनकी टीम ने काफी कॉकरोचों का सफाया कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ने किसी को फोन किया और एक कॉकरोचों ने फोन उठाया। एक कॉकरोच जापानी भाषा में डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने उन्हें कोमाची से दूर रहने को कहा क्योंकि जब वो पूरी तरह से कीड़े में बदल जाएगा तो उसके बाहर से कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर वो कॉकरोच बंक 2 में गया और उसने ऑक्सीजन चालू कर दी। फिर अचानक उस कॉकरोच का शरीर फटने लगा और उसमें से आंसू का बाहर निकली। तब ये खुलासा होता है कि वो मरी नहीं थी बल्कि वो तो शुरुआत से ही डॉक्टर की तरफ थी। इंजेक्शन लेने के बाद उसने कॉकरोचों के दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत आ गई थी, जिसकी मदद से उसने उन कॉकरोचों को आपस में लड़ा दिया और खुद जिंदा बच गई। खैर फिर आसुका ने कैप्टन को मार डाला और चीरो को जगाया। असल में चीरो भी शुरुआत से इस प्लान में शामिल थी। उसके शरीर में ऐसी ताकत आ गई थी जिससे वो किसी भी मौसम में सिर्फ पानी पर जिंदा रह सकती थी। मार्स से कॉकरोचों को मिटाना है तो बस एक ही धोखा था। उनका असली मिशन था कि कॉकरोचों का एक अंडा धरती पर लाना ताकि जापानी सरकार उससे एक नए कॉकरोच बनाकर अपनी फौज खड़ी कर सके। अब चीरो और आशू का अंडा लेकर शिप में निकल पड़े पर अचानक अंडा रास्ते में ही टूटने लगा और उसमें से दो विकसित कॉकरोचों बाहर आई। उसने अपने दिमाग से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की मगर ये दोनों नए कॉकरोच तो और भी ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने जल्दी आशुका को मार डाला और फिर अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया। उनकी आवाज सुनते ही मार्स के सभी कॉकरोच शिप की ओर उड़ने लगे। अचानक इतने सारे कॉकरोच से बाहर से शिप खराब हो गई और सीधा बंक वैन के पास ही धरती से टकराई। फिर नए कॉकरोचों ने बाहर आकर बाकियों के साथ कोमाची और उसके ग्रुप पर हमला कर दिया। तब कोमाची ने ड्रग की एक और डोज ली जिससे उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई मगर अब भी नए कॉकरोच
कॉकरोच से लड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक नए कॉकरोच ने मीना के दो टुकड़े करके उसे मार डाला। फिर जीन ने अपनी दूसरी डोज ली और गोमाची ने तीसरी डोज ली। अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ वो ज्यादा कॉकरोचों का खात्मा करने लगे, पर वो कॉकरोचों करोड़ों की संख्या में थे। फिर जीन ने फिर से एक डोज ली और उसकी पीठ में से पंख निकल आए, लेकिन फिर कॉकरोचों ने दो तरफ से झुंड बनाकर उस पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें खत्म करने के लिए उन्हें पहले नए कॉकरोचों को मारना होगा, इसलिए जीन ने ड्रग की कई सारी डोज एक साथ ही ले ली और फिर एक नए कॉकरोच पर जोरदार वार करके उसे मार डाला। पर अब इनकी सारी शक्तियां खत्म हो गई थी, इसलिए उसे बचाने आया दूसरा कॉकरोच कोमाची की जान लेने ही वाला था कि अचानक आसपास से एक चमकता हुआ पंछी उड़कर उनकी ओर आया। उसने चारों ओर एक जादुई पाउडर छिड़का और जल्द ही खुलासा होता है कि ये कोई पंछी नहीं बल्कि नाना वो थी, जो अब सभी इंजेक्शन लेकर अपने आखिरी रूप में आ गई थी। तभी वो उसके पास गया, पर अचानक एक कॉकरोच ने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन उसी वक्त नानाओ के जादुई पाउडर से अचानक वहां पर धमाके होने लगे। असल में ये पाउडर नहीं बल्कि विस्फोटक बारूद था, जिसके फटते ही लाखों कॉकरोचों धमाके में मारे गए। उसी वक्त जी ने कोमाची के साथ उड़कर अपनी जान बचाई और इस धमाके में बेचारी नानाओ की मौत हो गई। कुछ समय बाद कोमाची की आंखें खुली तो उसने देखा कि जीन पूरी तरह से एक कीड़े में बदल गया था। जीन कीड़े के रूप में वापस नहीं जा सकता था क्योंकि फिर इंसान उसे एलियन समझ लेंगे, तो उसने कोमाची को अकेले ही धरती पर लौट जाने को कहा। आखिरकार कोमाची अकेले ही शिप में पहुंचा, पर तब भी उसने देखा कि एक नया कॉकरोच अब भी जिंदा था। फिर उसने एक जोरदार मुक्के से ही कॉकरोच की हड्डी पसली एक कर दी, पर उसने उसकी जान नहीं ली। फिर उसने शिप में देखा कि चीरो अब भी जिंदा था। अचानक चीरो ने उसकी तरफ गोली चलाई, मगर वो उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े कॉकरोच को मारना चाहता था। फिर वो दोनों एक्सेप्ट पॉड में बैठकर धरती की ओर निकल गए। वही धरती पर डॉक्टर ने देखा कि उनका सिस्टम हैक कर लिया था और अब वो ये सारी सच्चाई पूरी दुनिया को दिखा रहा था, मगर डॉक्टर को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका एक्सेप्ट प्लान यही था कि वो बंग स्पेसशिप का डेटा बाकी देशों को बेचकर अपनी जान बचा लेगा। उधर स्पेसशिप में इस मिशन के सभी अपराधियों को सजा दिलाने की कसम खाई और कोमाची ने कहा कि वो धरती पर इन सब को जिंदा गाड़ कर मार्स पर वापस लौट आएगा। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।